रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई, मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से बहुत दुख के साथ इंतजार किया है, और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारी सहमति बन गई है, करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए, कहीं कहीं मामूली जो चेंजेज है रूट में वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा कि कौन से बॉर्डर से किस रूप पे हम जा रहे हैं और कहां कहां हम पहुंचेंगे। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था जो हमको बैरिकेड पे रोका गया था, और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंत पे किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं, और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन वो एक रूट जो है वो तय कर देंगे और उस रूट के ऊपर हम पूरी स्वतंत्र परेड उस दिन हम निकालेंगे। 5वें दौर की बातचीत हुई है, उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं, और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा, और ये देश के इतिहास में नहीं दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी। और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा, ये बहुत बड़ी परेड होगी। और जी हम जीत सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं, किसान किसान होगी, और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चिडूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए वो जो ट्रैक्टर है ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की हमारी दशा को दिशा को
बयान करती हो, जाकियां भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए और बड़ी गिनती में आइए और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। आज जैसे हमने बताया टाइम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से यह आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 100 किलोमीटर से ज़्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा, कल आ जाएगी। आपकी आवाज़।